Before lunch, that either the model is AR 1, 2, and 4, or the model is ARMA 1-1. Say, ये दो possibilities थी, और मैं खुद से एक possibility add कर रहा हूँ। यह खुद से है, as such कोई इसका हमें मिला नहीं था उससे, लेकिन क्योंकि ये पता है कि AR higher AR model can be converted into lower order MA तो 1 to 4 की बजाय अगर MA 1 just कर लें तो ये भी possibility हो सकती है ये तीन candidates भी अगर मैं ले लूँ तो अब जरा देखें मैं इसको estimate करता हूँ estimation में ये ज़हन में रखें कि अगर सिर्फ AR model होगा
तो फिर तो हम सिंपल ओएलएस से एस्टीमेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एमए मॉडल होगा तो फिर हमें एस्टीमेट करना पड़ेगा थ्रू आइट्रेटिव ओएलएस आर मैक्सिमम लाइक्लीहुड। एस्टीमेशन के लिए ईव्यूज के अंदर सिंपली हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, क्विक सॉल्यूशन और क्विक के अंदर ऑप्शन होती है एस्टीमेट इक्वेशन, क्विक एंड देन एस्टीमेट इक्वेशन। तो इक्वेशन एस्टीमेट करनी है, इक्वेशन एस्टीमेट करने का तरीका यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज डी एल आर जी डी पी, यह है हमारा इक्वेशन बॉक्स, और इक्वेशन बॉक्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डिपेंडेंट वेरिएबल डी एल आर जी डी पी, ठीक हो गया। डी एल आर जी डी पी के बाद हमारी जो इक्वेशन बनती है वो जरा ध्यान में रखिएगा, हमारी इक्वेशन है वाई टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन वाई टी माइनस वन प्लस ए टू वाई टी माइनस टू प्लस ए फोर ए वाई टी माइनस फोर प्लस एप्सिलॉन टी। दूसरी इक्वेशन है वाई टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन वाई टी माइनस वन प्लस थीटा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन प्लस एप्सिलॉन टी। और लास्ट इक्वेशन है वाई टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस थीटा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन प्लस एप्सिलॉन टी। ये तीन पॉसिबल या कैंडिडेट मॉडल्स हैं। इसको अगर मैं ईव्यूज में एस्टिमेट करना चाहूँ तो एस्टिमेशन के लिए फिर से मैं स्टार्ट लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू क्विक, क्विक के अंदर ऑप्शन है एस्टिमेट इक्वेशन, इक्वेशन एस्टिमेट का क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी, इस विंडो में इक्वेशन के हिसाब से अगर आपने लिखना है तो आप लिखेंगे डी एल आर जी डी पी। इसके बाद ईव्यूज में दो ऑप्शंस हैं, या तो एग्जैक्टली इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखें इक्वल्स फर्स्ट कोफिशियंट प्लस सेकंड कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाय वाई टी माइनस वन, इस तरह लिख लें, या आप स्पेस दे दें और उसके बाद सी लिख लें तो इट्स जस्ट लाइक कांस्टेंट इंटरसेप्ट, स्पेस डिपेंडेंट वेरिएबल स्पेस सी, स्पेस सी नहीं लिखना तो लिखेंगे इक्वल्स फर्स्ट कोफिशियंट, या तो वो लिख लें या स्पेस दे के सी लिख लें। उसके बाद अगर कोफिशियंट वाले स्टाइल से लिख रहे हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा प्लस सेकंड कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाय वाई टी माइनस वन, और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली यहां पे लिख दें ए आर वन, ए आर ब्रैकेट में वन, देन ए आर ब्रैकेट में टू एंड देन ए आर ब्रैकेट में फोर। ये हमारा ए आर फोर मॉडल हो गया, जो पहला कैंडिडेट है हमारा ए आर वन टू एंड फोर। अगर मैं इसको एंटर करता हूं या ओके कर दूं यहां से, तो मेरे पास जो रिग्रेशन रिजल्ट्स हैं वो रिग्रेशन रिजल्ट्स, सबसे पहले अब चूंकि मेरा ए आर फोर मॉडल था तो एक तो यहां पे इशू ये है कि ये तीनों के तीनों कोफिशियंट्स की जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हैं वो ये शो कर रही हैं कि ये तीनों ही इनसिग्निफिकेंट है। वो लग रहा था क्योंकि कुरेलोग्राम में भी 95% के क्राइटेरिया के हिसाब से एक भी स्पाइक उन डॉटेड लाइन से बाहर नहीं था, लेकिन 7% पे चूंकि क्यू स्टैट से सिग्निफिकेंट आ रहा था तो हमने उसको ले लिया। लेकिन एक्चुअली जो बात समझ आ रही है वो ये है कि ये मॉडल तो बहरहाल नहीं है। क्यों? एक वजह तो ये है कि ये सारे कोफिशिएंट इनसिग्निफिकेंट आने का मतलब ये है कि हम मॉडल में क्या है फिर, हमारे कांस्टेंट है बस, और ये तो सिग्मा स्क्वायर एस्टिमेट हो रहा है एज अ पैरामीटर, ये तो वेरियंस ऑफ एरर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये तीन पैरामीटर्स जो मेन थे वो तीनों ही कोफिशिएंट्स इनसिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं जीरो से। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अब ये बजायर लग रहा है ये मॉडल ठीक नहीं है, लेकिन एज अ जनरल प्रिंसिपल ये बात याद रखें कि आपका ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हैं टी की, और टी का टेस्ट तब आपका वैलिड है जब आपके ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में बहुत कम कोरिलेटेड हों। एक्चुअली जितने ये हाईली कोरिलेटेड होते जाएंगे, जितने हाईली कोलिनियर होते जाएंगे, उतनी ही टी वैल्यूज, चूंकि
इनका स्टैंडर्ड एरर बढ़ता जाएगा, उतनी ही टी वैल्यूज कम होती जाएंगी, तो उतने ही चांसेस हैं कि आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। और चूंकि ये वेरिएबल एक है, yt माइनस वन एक है, yt माइनस टू एक है, yt माइनस फोर, हम ऑलरेडी इनर्शिया का मॉडल एस्टिमेट कर रहे हैं, सो ऑल दीज वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। उस कोरिलेशन की वजह से टी टेस्ट इतना वैलिड नहीं है, उससे ज्यादा बेहतर है कि फिर आप अगर इन तीनों को निकालना है तो तीनों को निकालने के लिए एक काम करें कि इनको जॉइंटली जीरो करें और एफ टेस्ट करें, सही? क्योंकि जब आप टी की वैल्यू के अगेंस्ट ये टेस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त आपका हाइपोथेसिस होता है कि इफ वी कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ लैग ऑन बाय, देन व्हाट इज नेट इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट लैग ऑन बाय। तो इन दोनों को कंट्रोल कर लें तो फिर मे बी इसका इफेक्ट ना बचे, ये टी से हम चेक कर रहे हैं। लेकिन हम तीनों को जॉइंटली जीरो करेंगे तो वो फिर जॉइंट जीरो होगा, उसका और मीनिंग। अब एक तरीका यह है कि हम इसको जॉइंटली कैसे टेस्ट करते हैं। इसके जॉइंट टेस्ट करने का यह है कि चूंकि हमने तीनों कोफिशिएंट्स निकालने थे, तो जॉइंट टेस्ट से यह पता चल रहा है कि ये एफ स्टैटिस्टिक्स नीचे आ रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी ये शो कर रही है कि हम इन तीनों कोफिशिएंट्स को इक्वल टू जीरो करें तो इस नल को रिजेक्ट कर सकते हैं हम ओनली विद 70% कॉन्फिडेंस। अब 70% कॉन्फिडेंस मोस्टली जो हमारे ट्रेडिशनल लेवल्स हैं उनके हिसाब से बहुत ही कम है, सो वी कंक्लूड दैट वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। और चूंकि हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है ये तीनों जॉइंटली जीरो है। एक बात तो ये समझ आई यहां से। अब कोरेलोग्राम से एक चीज नजर आ रही थी, लेकिन यहां अब चीज और क्लियर हो गई कि वो एक इंडिकेशन थी, वो इंडिकेटर था कि पॉसिबली ये मॉडल हो सकता है। जब हमने एस्टिमेट किया, बहरहाल वो मॉडल नहीं है। फिर भी हमारे जेन में ये हो सकता है कि मे बी अभी हाई कोलिनियरिटी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो, तो हम वन बाय वन मॉडल रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ए आर वन और ए आर टू को लिखा, तो स्टिल कोफिशिएंट्स ये भी इनसिग्निफिकेंट है और एफ वैल्यू भी शो कर रही है कि ये इनसिग्निफिकेंट ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल एक्चुअली ये भी नहीं था। चले हम इसमें वापस चलते हैं। अब ये जितने आप पैरामीटर्स इनसिग्निफिकेंट हैं, अगर ये आप मॉडल में रखेंगे तो ये आपका एस्टिमेशन एरर बढ़ाते जाएंगे। तो मैं इसको सिर्फ AR1 तक रखता हूं। तो वही बात जो उधर हो रही थी कि अगर आप सिर्फ फर्स्ट कोफिशिएंट देखें तो वो 7% पे जाके सिग्निफिकेंट हो रहा था। तो अब हमने उसको प्रॉपर मॉडल जब किया तो जो AR1 का कोफिशिएंट है वो ऑलमोस्ट 10% पे जाके सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो अगर हम 10% का क्राइटेरिया मान ले कि एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, इतने सिग्निफिकेंस लेवल पे भी ये सिग्निफिकेंट है, तो देन इट्स फाइन, हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक मॉडल AR1 है। तो ये AR1 to 4 was a general model and now we moved from general to a specific model। तो हमेशा याद रखें कि टाइम सीरीज में कभी स्पेसिफिक टू जनरल मॉडल में नहीं जाना कि पहले छोटा मॉडल एस्टिमेट करें फिर बड़ा करते जाएं, नहीं। Always go for a larger model and then try to reduce its size. Reduce करते आए और करते करते reverse चलें तो हमें पता चला कि ये 10% पे चुकी है और one significant है। Otherwise तो मैं इसको ना लेता, लेकिन अब हम नया variable try नहीं कर सकते इस वक्त, तो मैं इसी को ही accept करता हूँ। मतलब ठीक है, मेरे लिए ये acceptable है कि 10% पे एटलीस्ट हम ये coefficient zero की equal reject कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि we take it as AR1 model। तो ये एक हमारा AR1 model हो गया। अब इसको मैं यहां सेव करना चाह रहा हूं ताकि मैं बाकी कैंडिडेट्स ट्राई करूं। तो इसका तरीका ये है कि मैं इसके नेम में जाऊंगा, नेम, नेम के अंदर मैं इसको नाम कोई भी दे सकता हूं, स्पेस नहीं देनी, ये मैंने पहले बताया था। तो मैं इसको नाम दे देता हूं कि इक्वेशन अंडरस्कोर AR, ये हमारा AR मॉडल है। जब ये मैंने किया, मैं इसको बंद भी कर दूं, तो ये इक्वेशन अंडरस्कोर AR मेरे पास सेव हो गया। जब भी मैं इसको ओपन करूंगा ये ओपन हो जाएगा। अब दूसरा कैंडिडेट ट्राई करते हैं। दूसरे कैंडिडेट के लिए ये है फिर से क्विक। इक्वेशन एस्टिमेट करने के लिए कहां से स्टार्ट लेते हैं? क्विक। क्विक में क्या है? एस्टिमेट इक्वेशन। एस्टिमेट इक्वेशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां वेरिएबल ही एक है, मतलब लेफ्ट साइड का वेरिएबल। कांस्टेंट के लिए स्पेस दे के सी, और दूसरी साइड पे अब हमारे पास आर्मा वन वन है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि ए आर ब्रैकेट में वन एंड देन एम ए ब्रैकेट में वन।
ये मॉडल एस्टीमेट कर लेते हैं। जब ये मॉडल एस्टीमेट किया तो हमारे पास जो केस सामने आया वो ये शो कर रहा है कि इफ ए आर वन इज देयर इन द मॉडल देन आफ्टर कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ वाई टी माइनस वन द इफेक्ट ऑफ एप्सिलॉन टी माइनस वन इज इनसिग्निफिकेंट। कि जब ए आर वन का इफेक्ट कंट्रोल कर लें फिर एम ए वन का इफेक्ट बाकी बचता नहीं है, यानी कि जब आपने ए आर वन डाल दिया देन देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन बाय एम ए वन, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो दैट्स वाई इट्स कोफिशियंट इज इनसिग्निफिकेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो पीछे तो ए आर वन मॉडल बच गया, तो इसका मतलब है ये मॉडल ही क्रॉस हो गया, ये मॉडल रिड्यूस होके एक्सेप्ट हो गया ए आर वन, और ये मॉडल क्रॉस हो गया क्योंकि इसमें मैं एम ए वन निकालूं तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है, बाकी ए आर वन रह जाता है वो तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास एम ए वन वाला मॉडल हो। अब चूंकि वैसे तो मैं नया मॉडल एस्टिमेट करता हूं लेकिन आरमा वन वन तो हमारे अब कैंडिडेट ही नहीं रहा, तो मैं इसी में चेंजेस कर लेता हूं। तो सेम मॉडल में चेंजेस करने के लिए इस इक्वेशन की एस्टिमेट की ऑप्शन क्लिक करें, सेम मॉडल एस्टिमेट की ऑप्शन क्लिक करें और यहां से जाके ए आर वन खत्म कर दें, सो दैट वी हैव नाउ एम ए वन मॉडल ओनली। अब हमारे पास है डी एल आर जी डी पी सी एम ए वन। जब ये एम ए वन आ गया, अब आपने मॉडल एस्टिमेट किया तो इवन ए आर वन का इफेक्ट अब हम कंट्रोल नहीं कर रहे फिर भी एम ए वन इनसिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है इस मॉडल में एक ही पॉसिबिलिटी और वो पॉसिबिलिटी है ए आर वन। मैं फिर से इसकी कोरेलोग्राम में जाके एक पॉसिबिलिटी आपके सामने और रखता हूं। मैं चाह रहा हूं कि दो मॉडल कैंडिडेट्स बने, नहीं बनते तो बस सही है, लेकिन अगर बन जाए तो सही है। कोरेलोग्राम को जरा गौर से देखें तो कोरेलोग्राम के अंदर जो सिक्स्थ वैल्यू है ये बड़ा हाईली मार्जिन पे केस है, यानी कि इवन इन वैल्यूज के मुकाबले में ये वैल्यू ज्यादा बॉर्डर के करीब। तो जो ही मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो करना था तो सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट होना है वो इसमें होना है, ये बाद में होगा, ठीक है ना, ये मार्जिन पे है ज्यादा। तो मैं ऐसे इसको, ये निशानी है बेसिकली, अगर ये ए आर मॉडल है तो देन इट इज ए आर सिक्स, सिक्स ऑर्डर ए आर सिक्स। तो मैं एक और कैंडिडेट बना लेता हूं कि ए आर वन तो ऑलरेडी हो गया, अगर ए आर वन और ए आर सिक्स मैं ले लूं तो क्या होगा, तो मैं इसी के एस्टिमेट में जाके एम ए वन की बजाय ए आर वन एंड ए आर सिक्स ये दोनों लेता हूं। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम वही है कि वो सिक्स ऑर्डर भी तब है जब मे बी हम ए आर वन को इंक्लूड नहीं करें, जब हम ए आर वन को इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर इवन सिक्स ऑर्डर इनसिग्निफिकेंट है और फर्स्ट ऑर्डर सिग्निफिकेंट है। अब यहां पे मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इन मैं दोनों को इकट्ठा रखता हूं तो ए आर वन सिग्निफिकेंट आता है ए आर सिक्स नहीं। अगर मैं इनको अलग अलग ट्राई करूं, ए आर वन को अलग और ए आर सिक्स को अलग और दोनों सिग्निफिकेंट आ जाएं, फिर मुझे क्या लेना चाहिए, फिर हमेशा ए आर वन लें। वजह यह है कि ए आर सिक्स मीन कि जीडीपी का डेटा हम एनुअल ले रहे हैं तो सिक्स ईयर पहले की जो वैल्यू है उस शॉक का इफेक्ट आज ऑब्जर्व हो रहा है जिसके चांसेस नहीं है, छह साल पहले का इफेक्ट आज, एनुअल डेटा है ना, मंथली होता तो हम मान लेते छह साल छह महीने का इफेक्ट है, सिक्स ईयर का इफेक्ट इतना कैसे सिग्निफिकेंट हो सकता है नॉर्मली जीडीपी में पिछले साल के शॉक्स के मुकाबले। तो अगर ए आर वन और ए आर सिक्स अलग अलग सिग्निफिकेंट भी होते तो भी मैं ए आर वन लेता, लेकिन मैं वैसे ट्राई करने के लिए ए आर सिक्स अलग से ले लेता हूं कि ऐसा आता भी है या नहीं जो मैं सोच रहा हूं। अगर नहीं है तो फिर हम क्लियर हैं, नहीं है ही नहीं, तो हम क्लियर हैं कि हमारे पास ए आर वन मॉडल ही बनता है। तो जब ए आर वन मॉडल बनता है तो हम फॉरकास्टिंग भी ए आर वन मॉडल से ही करेंगे, ठीक है। अब हमें करना है फॉरकास्ट।
जब हमें फॉरकास्ट करना है तो वैसे तो टेक्निकली फॉरकास्ट किसका करना है, फॉरकास्ट करना है हमें रियल जीडीपी का, और हमें फॉरकास्ट करना है, एक और चीज भी ध्यान में रखें कि व्हेन यू यूज एआर आर एमए आर आर्मा मॉडल, ऑल दीज मॉडल्स आर फॉर शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट। वजह वो याद है, हमने देखा था डिविएशन फ्रॉम मीन, लॉन्ग रन मीन, डिविएशन फ्रॉम मीन इज टेम्पररी, तो वो जो डिविएशन टेम्पररी है उसको हमने मॉडल किया, तो टेम्पररी फेज के लिए फॉरकास्टिंग करेंगे, अगर लॉन्ग रन के लिए करेंगे तो लॉन्ग रन में तो वो डिविएशन वैसे ही खत्म हो जाती है, वो ए वन रेस टू पार आए था। ए वन क्या है? ए वन है हमारे पास फ्रैक्शन, उसकी हायर पावर लेते जाएंगे, जितने टाइम पीरियड पीछे जाएंगे उतनी हायर पावर होती जाएगी, हायर पावर का मतलब है वो जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगा और लॉन्ग रन मीन आ जाएगा। तो इसलिए याद रखें कि आपके पास जो भी फोरकास्ट आना है वो आपने लेना शॉर्ट टर्म है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि हमारे पास अब जो मॉडल फाइनल हुआ है उस मॉडल को मैं लिखता हूं, जरा गौर करें, वो मॉडल है ए नॉट प्लस ए वन वाई टी माइनस वन प्लस एप्सिलॉन टी। तो मुझे फोरकास्ट करना है वाई टी प्लस वन, दैट इज ए नॉट प्लस ए वन वाई टी प्लस एप्सिलॉन टी प्लस वन। इसकी अगर मैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ले लूं, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब यह है कि मुझे कंडीशनल मीन निकालना है, यानी कि इसमें मुझे मीन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। अगर मैं वो निकाल रहा हूं तो वो हमारे पास आएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी प्लस वन। जो एप्सिलॉन है वो किसी भी टाइम पे उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो है, ये वाइट नॉइज प्रोसेस है, हम शुरू से लेके चल रहे हैं, तो ये तो हो गया जीरो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी किसकी इक्वल होगा? अब याद रखें अनकंडीशनल और कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में ये डिफरेंस होता है कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में टाइम देखना पड़ता है, तो वाई टी इज द वैल्यू ऑफ वाई विच इज ऑब्जर्व्ड इन टाइम पीरियड टी एंड वी आर मेकिंग फोरकास्ट इन द सेम टाइम पीरियड टी। तो टाइम पीरियड में टी में वाई टी का फोरकास्ट नहीं होता, एक्चुअल वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है दिस विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी प्लस वन ए नॉट प्लस ए वन इन टू वाई टी, ये हमारा फोरकास्ट है। फोरकास्ट क्या आया? ए नॉट प्लस ए वन इन टू वाई टी। वो जो शॉर्ट टर्म डेविएशन है वो डेविएशन की डायनामिक्स ए नॉट और ए वन कैप्चर करेंगे और नेक्स्ट पीरियड आपके पास फोरकास्ट आएगा और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, फोरकास्ट एरर साथ होगा, फोरकास्ट एरर की प्रॉपर्टीज हम बाद में देखते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको समझा दूं कि क्यों मैं शॉर्ट टर्म फोरकास्ट की बात कर रहा था। अगर मैं कहूं नहीं मुझे तो सेकंड पीरियड का फोरकास्ट चाहिए, टू पीरियड फॉरवर्ड जाने में, फिर क्या तरीका होगा? ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी, सॉरी पहले आप ये करें कि वाई टी प्लस टू लिखें, वाई टी प्लस टू होगा ए नॉट प्लस ए वन वाई टी प्लस वन प्लस एप्सिलॉन टी प्लस टू। अब इसकी एक्सपेक्टेशंस ले लें, y t प्लस टू तो ये हो जाएगा a नॉट प्लस a वन इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y t प्लस वन और इसकी एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेशंस चूंकि हम निकाल चुके हैं तो इसका मतलब है ये हो जाएगा y t प्लस टू इज इक्वल टू a नॉट प्लस a नॉट इनटू a वन प्लस a वन स्क्वायर। ये देखें ना, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, a नॉट आ गया प्लस ए वन इंटू ए नॉट प्लस ए वन स्क्वायर इंटू वाई टी। इसका मतलब है सेकंड पीरियड का फोरकास्ट आ रहा है हमारा ए नॉट प्लस ए नॉट इंटू ए वन प्लस ए वन स्क्वायर इंटू वाई टी। अच्छा एक चीज याद रखें, फोरकास्ट में राइट साइड पे ऑब्जर्व वैल्यूज है या एस्टिमेटेड पैरामीटर्स,
ये चूंकि दोनों हैं हमारे पास तो हम फॉरकास्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये किस तरफ जा रहा है फॉरकास्ट, अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी प्लस जे जनरलाइज कर लेते हैं, देन इट विल बी ए नॉट प्लस ए नॉट इंटू ए वन प्लस सो ऑन प्लस ए नॉट इंटू ए वन रेस टू पावर जे माइनस वन। ये देखे ना, जब इधर टू था इधर पावर वन आई, जब इधर वन था इधर पावर ए नॉट इंटू ए वन की पावर जीरो थी, एक पावर कम होती है, प्लस आखिरी टर्म होती है ए वन रेस टू पावर जे इंटू वाई टी। अब क्योंकि हमने अजम्पशन ली हुई है कि ए वन इज लेस देन वन, तो जो जो जे आप फ्यूचर में ले जाते जाएंगे तो एज जे अप्रोचेज इंफिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी प्लस जे वुड बी ए नॉट इंटू वन प्लस ए वन प्लस ए वन स्क्वायर प्लस सो ऑन, क्योंकि ये टर्म खत्म हो जाएगी, ए वन फ्रैक्शन है और जे पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर, जब ये खत्म होगा तो इसका मतलब है ये रह गया ए टी वाई टी प्लस जे विच इज ए नॉट ओवर वन माइनस ए वन। आपको याद होगा ये सो भी निकला, हालांकि उस वक्त हमने कोई फोरकास्टिंग नहीं की। ये क्या था? दिस वॉज अनकंडीशनल मीन ऑफ द सीरीज वाई, ये सिंपल मीन था। इसका मतलब है अगर आप ए आर और एम ए से कहें कि मैं 15 साल बाद की वैल्यू फोरकास्ट करूंगा तो वो आपको इफेक्टिवली क्या देगा? मीन ऑफ द सीरीज, तो उसकी जीरो वैल्यू है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, वैसे मीन निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस फोरकास्ट इज ऑफ एनी यूज ओनली इफ वी फोरकास्ट फॉर शॉर्ट रन, वन पीरियड अहेड टू पीरियड अहेड में, नॉट मोर देन दैट। तो एक दो पीरियड अहेड जाएंगे तो फोरकास्ट रीजनेबल होगा, मीनिंगफुल होगा, जितना फार्दर फ्यूचर में जाते जाएंगे इफेक्ट विल बी सॉरी दिस फोरकास्ट विल बी मीनिंगलेस, क्यों? एट द एंड इट विल गिव यू सिंपल अनकंडीशनल मीन, उसका क्या फायदा? ठीक हो गया एक बार? तो ये मैं जस्ट आपको वो कह रहा था कि फ्यूचर में नहीं जाना ज्यादा, ये एक रीजन है। एक दूसरा रीजन बताता हूं कि व्हाट्स अबाउट फोरकास्ट एरर, ये तो फोरकास्ट था, फोरकास्ट एरर के बारे में क्या ख्याल है? तो वाई टी प्लस वन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी प्लस वन, दिस इज फर्स्ट पीरियड फोरकास्ट एरर। तो ठीक है, yt प्लस वन भी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yt प्लस वन भी है, तो देख लें क्या क्या चीज कैंसिल होती है, क्या रह गया? ये देखिए ना, ये मैंने कैंसिल कर दिया तो बाकी रह गया एप्सिलॉन t प्लस वन। अब अगर हम इसका फॉरकास्ट एरर वेरिएंस निकालना चाहें, तो वो एप्सिलॉन टी प्लस वन का वेरिएंस है जो कि कांस्टेंट है सिग्मा स्क्वायर। तो फर्स्ट पीरियड का जो हमने फोरकास्ट लिया, उस फोरकास्ट का जो एरर आया, उसका फोरकास्ट एरर वेरिएंस जो है वो कितना है? सिग्मा स्क्वायर, एंड वेरिएंस इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये है, ये सिग्मा स्क्वायर ये शो कर रहा है कि आपका फोरकास्ट कितना अनसर्टेन है, कितना अनसर्टेन है, और ये सिग्मा स्क्वायर चाहिए हमें इंटरवल फोरकास्ट बनाने के लिए। ये तो मैंने निकाला है पॉइंट फोरकास्ट, ये जो निकाला ये क्या था? पॉइंट फोरकास्ट। और इस पॉइंट फोरकास्ट में अगर मैं ये कर दूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी प्लस वन प्लस माइनस 1.96, अस्यूमिंग कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी प्रॉपर है, तो इनटू दिस सिग्मा, तो ये इसका बन जाएगा इंटरवल फोरकास्ट, किसका? वन पीरियड अहेड। अगर मैं सेकंड पीरियड का फोरकास्ट एरर वेरिएंस निकालूं, एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो जरा देख लें वाई टी प्लस टू ये है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी प्लस टू ये है, तो इसका मतलब है एक इसमें कैंसिल हो रहा है ए नॉट से,
बाकी बचा ए वन इंटू वाई टी प्लस वन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी प्लस वन, ये और ये, और एक हमारे पास बच गया एप्सिलॉन टी प्लस टू। तो अब अगर मैं इसका वेरिएंस निकालूं सेकंड पीरियड फॉरकास्ट एरर का, तो वो मेरे पास आएगा ए वन इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, विच इज वन प्लस ए वन इंटू सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि इसका वेरिएंस हम पहले निकाल चुके हैं, वो था सिग्मा स्क्वायर, तो ए वन इंटू सिग्मा स्क्वायर, और इसका वेरियंस सिग्मा स्क्वायर है, तो वन प्लस ए वन इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो इसका मतलब है इसका वेरियंस था सिग्मा स्क्वायर और इसका है वन प्लस ए वन इंटू सिग्मा स्क्वायर, तो इसका मतलब है सेकंड पीरियड का जो फोरकास्ट एरर है उसका वेरियंस ज्यादा है, दैट इज मोर अनसर्टेन, उसकी अनसर्टेनिटी ज्यादा है, थर्ड पीरियड की और अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो जो जो आप फ्यूचर में आगे चलते जाएंगे फोरकास्ट विल बिकम मीनिंगलेस, दो वजह से, एक तो वो इफेक्टिवली मीन की तरफ फोरकास्ट कन्वर्ज करेगा जिसका कोई मतलब नहीं है, और दूसरा उसका इंटरवल फोरकास्ट इतना वाइड होता जाएगा कि एट द एंड आप ये गेस कर रहे होंगे कि मैं आपको गेस करता हूं आपके मार्क्स कितने आएंगे, जीरो और हंड्रेड के दरमियान, मीनिंगलेस फोरकास्ट, ठीक है ना, ये तो कोई फोरकास्ट नहीं है कि आप कहेंगे मार्क्स जीरो और हंड्रेड के दरमियान आएंगे, तो ये तो मीनिंगलेस फोरकास्ट हो जाएगा, बात समझ आ गई। तो ये हमेशा याद रखना है कि शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। अब ये सारी काम ई व्यूज में करना कैसे है, ई व्यूज में ये सिंपल है, हम बाकी सब क्लोज कर देते हैं क्योंकि बाकी सब तो हमारे काम के मॉडल्स ही नहीं है, हमारा काम का मॉडल है ये इक्वेशन ए आर, इसको मैंने क्लिक कर दिया, और इसमें अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगा कि मैं फोरकास्ट किस टाइम पीरियड को करूं। अब मैंने कहा एक दो टाइम पीरियड करें, तो लेकिन एक दो टाइम पीरियड कौन से, तो मैं कहता हूं कि नेक्स्ट टाइम पीरियड करें, तो नेक्स्ट टाइम पीरियड होगा, दो बातें डिपेंड करती हैं इस पे, नंबर वन कि मुझे एक्चुअली आउट ऑफ सैंपल फोरकास्ट करना है, सही है ना, आउट ऑफ सैंपल फ्यूचर फोरकास्ट करना है, तो आउट ऑफ सैंपल फोरकास्टिंग के लिए क्योंकि मुझे 2015 की वैल्यू फोरकास्ट करनी है, तो 2015 के लिए तरीका यह है कि आप अपना जहां पे रेंज दे रहे थे ना डेटा की, वहां आपको 2016 तक देनी चाहिए थी, भले आपका डेटा 2014 का, सही, अभी भी ये चेंज हो सकती है, कोई इशू नहीं है, आपको रेंज चेंज करनी है रेंज पे जाके डबल क्लिक कर दें, ये वापस आ जाए। तो करना क्या है, 1971 से लेकर 2016 तक कर लें, ताकि दो पीरियड फॉरवर्ड की जगह हो उसके पास फोरकास्ट प्लेस करने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा, मैं इसके बदले एक और तरह से आउट ऑफ सैंपल फोरकास्ट करता हूं, और वो आउट ऑफ सैंपल फोरकास्ट मेरा इस तरह से है कि मैं सैंपल एस्टिमेशन में जाके चेंज कर देता हूं, ये मेरा सैंपल है एस्टिमेशन के अंदर, इसमें मैं इसे कर देता हूं 2012 तक, अब 13 और 14 आउट ऑफ सैंपल हो गए, ये ले, ये मैंने मॉडल एस्टिमेट किया। पहली बात तो ये बड़ा फ्रेजाइल सा मॉडल है, पहली बड़ी मुश्किल से कुछ सिग्निफिकेंट आ रहा था, दो वैल्यूज निकाली वैसे मसला हो गया, लेकिन चलें अब हम अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं कि हमने क्या किया कि दो साल खुद ही सैंपल से मैंने निकाल दिए, जस्ट आपको प्रोसीजर सिखाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में यही याद रख लें कि आखिरी दो साल को निकालना होता है, वो तो ऑलरेडी है, उसको फोरकास्ट नहीं करना हमने, ये तो सिखाने के लिए, क्यों, ताकि आपको समझ आए कि 13 एंड 14 आर आउट ऑफ सैंपल। अब हम इसमें जाएंगे फोरकास्ट में, फोरकास्ट क्लिक करेंगे, अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगा, और वो प्रॉब्लम ये आएगा कि जब हम इसको फोरकास्ट करेंगे तो ये डीएलआर जीडीपी का फोरकास्ट देगा, सबसे पहले हमने उसका डिफरेंस खत्म करना होगा फोरकास्ट के अंदर जाकर, फिर हमने उसका एक्सपोनेंशियल लेना होगा लॉग खत्म करने के लिए, तब रियल जीडीपी फोरकास्ट होगा। आपने पहले कहा कि हम एक डेटा को मुख्तलिफ तरीकों से देखे, उसके हिस्टोग्राम और ग्राफ देखे, उसके जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो हमें पता चल जाएंगे, तो सर जब आपने ग्राफ बनाए थे तो वहाँ पे सारे ट्रेंड शो हो रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, ये ट्रेंड नहीं शो हो रहे थे,
ट्रेंड नहीं क्यों हो रहे थे? इसकी हिस्ट्री को जब हम देख रहे थे 90s वगैरह, बिजनेस उस हिसाब से तो डेटा सही था। हाँ, यहाँ पे क्यों फिर प्रॉब्लम शो हो रही है? देखें, नॉट एवरी मॉडल इज फिट फॉर फॉरकास्टिंग, यूनिवेरिएट फॉरकास्टिंग एटलीस्ट। हमेशा हर सीरीज आपको इतना रूम या इतनी स्पेस नहीं देती कि आप उसको फॉरकास्ट कर सकें। वो डेटा ठीक होना अलग चीज है, लेकिन डेटा के अंदर इनर्शिया ना होना अलग बात। इसका मतलब है हम जो सीरीज ले रहे हैं उसके अंदर इनर्शिया इतना कम है कि हम प्रॉपरली उसको फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे। और फिर दूसरी बात समझे, मैं असल दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं कि आप डीएलआर जीडीपी एज अ वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो आप उसको यूज करेंगे तो मुझे बताएं ना, हमारी सीरीज तो रियल जीडीपी है, तो रियल जीडीपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डीएलआर जीडीपी को पहले फोरकास्ट करें, फिर उसका डिफरेंस खत्म करें, फिर उसका डिफरेंस खत्म हो जाएगा, लॉग में आ जाएगा, फिर लॉग से एक्सपोनेंशियल लेके हमें वापस जीडीपी बनाना पड़ेगा। और इसमें भी एक प्रॉब्लम कि जब आप लॉग का मॉडल लेके एस्टिमेशन करते हैं तो उसका जो प्रॉपर एक्सपोनेंशियल है वो ओरिजिनल वेरिएबल का फोरकास्ट प्रॉपर नहीं देता, वो भी अप्रोक्सीमेट होता है। उसकी वजह यह है कि जब आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं ना, और पीछे हम ले रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो अगर तो फंक्शन लीनियर हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, तो लीनियरिटी में तो एक्सपेक्टेशन उधर भी इसी तरह शिफ्ट हो जाती है। लेकिन नॉन लीनियर मॉडल में यह जरूरी नहीं होता, उसमें एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बनती। तो एग्जैक्ट एक्सपोनेंशियल लेने से 100% आपका प्रॉपर फोरकास्ट नहीं आएगा। अब ये इस किस्म के प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम फंस जाएंगे, तो इसके लिए लेकिन पहले चलें तरीका सीख लें, इसकी कोशिश करें, इसे कर लें स्टैटिक फोरकास्ट। स्टैटिक और डायनामिक फोरकास्ट की ऑप्शंस में फर्क ये है कि वो जो पहला टाइम पीरियड है 1971, डायनामिक फोरकास्ट में वो करेगा ये कि शुरू की वैल्यू फोरकास्ट करेगा और फिर उस फोरकास्ट की बेस पे अगले फोरकास्ट करेगा। और स्टैटिक फोरकास्ट में वो पैरामीटर तो AR1 मॉडल के लेगा लेकिन हर साल एक्चुअल वैल्यू डाल के फ्यूचर फोरकास्ट कर रहा होगा, तो इसलिए हमेशा स्टैटिक फोरकास्ट करें। और यहां पे फोरकास्ट सैंपल आ रहा है 2014 तक जो हमें चाहिए, हम इसको ओके कर देते हैं। जब हमने इसको ओके किया तो ये हमारा फोरकास्ट आया। अब देखिए 2012 तक तो हमारा एक्चुअल डेटा है, तो बेसिकली ये दो वैल्यूज फोरकास्ट हुई है, ये ध्यान में रख। अब ये दो वैल्यूज क्या हैं? इसके लिए हमारे पास ये था डीएलआर जीडीपी और ये आ गया डीएलआर जीडीपी एफ फोरकास्ट। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊं, जो दो साल मैंने फोरकास्ट किए हैं वो ये हैं, ये फोरकास्ट ये हुआ है कि जब एक्चुअल वैल्यू 0.043 है, अब ये याद रखिए ये आउट ऑफ सैंपल फोरकास्ट, मेरे मॉडल ने उसकी वैल्यू फोरकास्ट की 0.045, ठीक हो गया। जब एक्चुअल वैल्यू 0.052 है तो हमारे मॉडल ने फोरकास्ट किया 0.046। तो आप देख सकते हैं कि पहले साल का फोरकास्ट क्लोज है, दूसरे साल का फोरकास्ट दूर है, तीसरे साल में और गैप आएगा, चौथे में और गैप आएगा, इसका वेरिएंस बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो एक आप अनकंडीशनल मीन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये फिर याद रखें, ये वैल्यूज किसकी थी? ये थी डीएलआर जीडीपी की। अब अगर मैं अपने मॉडल को थोड़े डिफरेंट स्टाइल से लिख दूं, यानी कि मैं अपना मॉडल लिखूं डायरेक्ट बजाय सीरीज जनरेट करने के, यहीं पे डायरेक्ट लिखूं डी ब्रैकेट में लॉग ब्रैकेट में आर जीडीपी, यानी कि मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की, डायरेक्ट यहां पे लिखा है। ईव्यूज में और एसपीएसएस टाइप सॉफ्टवेयर्स में ये डिफरेंस भी है, वहां आपको पहले वेरिएबल लाजमी जनरेट करना पड़ता है, यहां आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख दें। यानी कि जो ट्रांसफॉर्म्ड सीरीज है वो पहले बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहां बनाई थी, आप डायरेक्ट इक्वेशन में ऐसा लिखें और फिर लिखें सी और फिर लिखें AR1। तो पहली बात तो ये है, इस रिजल्ट में और उस रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये याद रखें।
ठीक है, सिवाय इसके कि हमने अगर कोई दो वैल्यूज का है, ठीक है ना, वो वैल्यूज अगर आप चेंज कर देंगे तो फिर थोड़ा सा इशू आएगा, जाहिर है सैंपल सेम होगा तो कंपैरिजन होगा। अब बराबर हो गया, अब सेम हो गया। अगर मैं इसके साथ लिख के फॉरकास्ट की ऑप्शन क्लिक करता हूं तो उसका फायदा मुझे ये है कि वो कह रहे हैं आपको ट्रांसफॉर्म सीरीज मॉडल के लिए चाहिए थी या वही फॉरकास्ट करनी है। अब उसे पता है कि मेरा ओरिजिनल इंटरेस्ट जीडीपी में है, मैंने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किसी वजह से की थी, तो वो भले वो ऑप्शन दे रहा है लेकिन वो कह रहा है अगर आपने सीरीज जीडीपी फॉरकास्ट करनी है तो ये थी। तो याद रखें हमारा इंटरेस्ट जीडीपी की फॉरकास्टिंग में होता है, और अगर आप डीएलआर जीडीपी फॉरकास्ट करके डिफरेंस खत्म करके और एंटी लॉग लेके यानी कि एक्सपोनेंशियल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेशन होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। तो इसके लिए तरीका यह है कि अब आप इसे आर जीडीपी कर दें और स्टैटिक फॉरकास्ट कर लें। तो अब हमें हम ये देखें, ये हमारा ये अब ओरिजिनल जीडीपी है और उस जीडीपी के साथ लास्ट टू वैल्यूज फॉरकास्ट हुई हैं। तो अब मैं ओरिजिनल जीडीपी और जीडीपी फॉरकास्ट इन दोनों को इकट्ठा ओपन करता हूं। तो इकट्ठा ओपन करने की बजाय मैं इकट्ठा करने के साथ ही ग्राफ भी बना देता हूं। तो अगर इस तरह तो आपको फर्क नहीं नजर आएगा, कुछ आ रहे हमने लास्ट टू वैल्यूज फॉरकास्ट किए हैं, जरा इस तरफ से जो हमने फॉरकास्ट किया ही नहीं इस ग्राफ को छोटा करते हैं, ये तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, लास्ट टू। तो हम इसको कम करते करते सिर्फ लास्ट टू वैल्यूज तक रह जाएंगे। तीन वैल्यूज आ रही हैं, ये तो एग्जैक्ट था और ये मेरा फॉरकास्ट आया। तो इसमें जो रेड है ये फॉरकास्ट है और जो ब्लू है ये एक्चुअल है। तो आप देख सकते हैं कि रियल जीडीपी और मेरा जीडीपी का फॉरकास्ट में कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन ये अब गैप ज्यादा है या कम इस पे मैं सिर्फ नहीं बता सकता, वो तो आप प्रॉपर वेरियंस निकाल के करेंगे। लेकिन एक रफ आइडिया लेने के लिए अगर आप गौर करें तो हमें एक चीज ये आ रही है कि फॉरकास्ट कम अज कम 2013 का काफी क्लोज है, 14 का डिफरेंस हो रहा है। अब अगर आप और सीरियस रिसर्चर हैं और आप इसी को अपनी फील्ड बनाना चाह रहे हैं तो इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। कैसे, अगर आप गौर करें तो हमारे मॉडल ने वन पीरियड अहेड को ओवर फोरकास्ट किया और टू पीरियड अहेड को अंडर फोरकास्ट किया। अब ऐसा बाय चांस हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा मॉडल ही ऐसा है कि वो यूं करता है तो फिर हमें इस नेचर को भी मॉडल करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों करता है कि वन पीरियड अहेड को ओवर फोरकास्ट करे और आगे अंडर फोरकास्ट करे। ये नेचर भी हमें मॉडल करनी पड़ेगी, सही है ना, लेकिन अभी हम इसमें नहीं जाते, एक बेसिक हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई कि फॉरकास्टिंग हमने कैसे करनी है। तो अगर वैसे जस्ट ग्राफ की हद तक मुझे एक साल की फॉरकास्टिंग करनी हो तो मैं तो इस पे काफी सेटिस्फाइड हूं, अच्छा फॉरकास्ट आया, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर की जीडीपी हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जस्ट जीडीपी थी। और नेक्स्ट ईयर की अगर आप इनकी प्रॉपर वैल्यूज भी देखना चाहें तो उसमें जाके भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो थर्टीन की वैल्यू देखें। तो ये डेटा है, फॉर एग्जांपल मिलियंस में ही होगा आई थिंक, या बिलियंस में होगा, तो जो भी है इनमें डिफरेंस आप गौर करें तो काफी कम है, यानी कि ये 63 और ये 86, तो आपका जब ट्रिलियंस में टोटल डेटा आ रहा हो तो उसमें कोई 10-20 मिलियन का डिफरेंस बहुत बड़ा इशू नहीं है, स्पेशली जब आपके पास कोई बहुत और इंफॉर्मेशन भी ना हो। तो ये तो हो गया, लेकिन अब सवाल है कि हमारा ये जो फोरकास्ट आया है, आपने देखा कि हमारा वन पीरियड अहेड फोरकास्ट और आया, टू पीरियड अहेड और आया, तो हो सकता है हमारा फोरकास्ट बाइस्ड हो,
तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि फोरकास्ट बायस्ड होता है या नहीं होता? उसके लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ेगा। उस टेस्ट का तरीका यह है कि हम थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो ये है, हमारी ब्रेक किस वक्त है? एक बीच में इश्यूज इतने होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कौन सा डिस्कस करूं और कौन सा नहीं। एनी हाउ, अच्छा जी, अब जरा एक बात समझें। प्रोसीजर में ये करूंगा कि जो डीएलआर जीडीपी वाली नहीं है, दूसरी जो इक्वेशन है ना जिसमें प्रॉपर जीडीपी फोरकास्ट हो सकता है, उसको मैं लेके और मैं एस्टिमेशन कर रहा हूं 2007 तक। कितना? 2007 तक। और 2007 की बेस पे जब मैंने इसको ओके किया और फिर मैं फोरकास्ट में जाता हूं और उसमें स्टैटिक फोरकास्ट, तो ये मेरे पास अब रियल जीडीपी का जो सीरीज आया है। मैंने कब तक फोरकास्टिंग की है? 7 तक। तो मैं इससे 2008 की वैल्यू जस्ट फोरकास्ट करूंगा, वो ये है, ठीक हो गया। 2008 की वैल्यू मैंने जस्ट फोरकास्ट कर दी और जो भी फोरकास्ट आया वो मैंने यहां पे नोट कर लिया। ये था 2008 और मैं ऐसा करता जाऊंगा जब तक कि 2014 नहीं आ जाता। अब क्या तरीका है, मैं क्या करूंगा? अब तरीका यह है कि मैं वापस सैंपल में जाता हूं और सैंपल में 2008 तक की एस्टिमेशन करता हूं, फिर से फोरकास्ट में जाता हूं, स्टैटिक फोरकास्ट, और यह प्रोसेस आगे करता रहेगा। अगर आप ईवीज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो फिर यह खुद कर देगा, नहीं तो फिर सीखने के लिए यही तरीका है। तो फिर से मैं इसकी यह वैल्यू लेता हूं, और इसको वहां पे पेस्ट कर देता हूं। ये 2009 की वैल्यू है। अब क्या करना है मुझे? सैंपल आगे बढ़ाना है 2009 और फिर से फोरकास्ट करना है, तो जो भी 2010 की वैल्यू है वो यहां से कॉपी करें और जाके एक्सेल शीट में 2010 के सामने पेस्ट कर दें। ये थोड़ी सी मेहनत है, चार वैल्यूज और रह गई हैं। फिर से मैं एस्टीमेट में जाता हूं और अब मैं अपना सैंपल कहां तक रखता हूं? 2010 तक। फिर से फोरकास्ट में जाता हूं, फिर से स्टैटिक फोरकास्ट, और अब इस फोरकास्ट में मैं 2011 की वैल्यू ले लेता हूं। एक एक साल मैं आगे कर रहा हूं, एक ही दफा इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि 5-6 साल के बाद वैसे ही मीनिंगलेस हो जाता है फोरकास्ट। अब 11 तक मैं फोरकास्ट करता हूं, एस्टिमेट करता हूं, और 12th ईयर को मैं फोरकास्ट कर लूंगा। जी वो मैं बताता हूं, जब मैं एस्टिमेशन करता हूं सैंपल यहां पे चेंज करता हूं, देखें ये 11 तक था अब 12 तक है। वो जो फोरकास्ट करता है वो 14 तक कर देता है, लेकिन वो मेरा काम का नहीं है, मैं अपना फोरकास्ट सिर्फ लेता हूं, मैं एक एक करके कर रहा हूं। वो तो सारे दे देता है, लेकिन वो मैंने पहले ही बताया था ना, इसका दिमाग नहीं है, वो हमने अपना यूज करना है, ये नहीं देता। हाँ, क्या चीज? सॉरी यहां अब एस्टिमेट में जा रहा हूं ना,
मैंने 14 को फोरकास्ट करना है तो मैं 13 तक एस्टिमेशन करूंगा, फोरकास्ट में जाके स्टैटिक, और ये 14 तक आता रहे, ये आप नहीं भी लिखेंगे ये देगा 14 तक, इसलिए इस पे टेंशन नहीं लेनी, आप वन बाय वन चलें। चलें जी, मसला हल हो गया, हमारे पास क्या आया, कितनी वैल्यूज आ गई, बोले 7 वैल्यूज आ गई, और ये 7 वैल्यूज मैं जाके पेस्ट कर देता हूं ई व्यूज के अंदर। और ये कहां से स्टार्ट हो रही हैं वैल्यूज, ये वही तरीका है एम्प्टी ग्रुप, और एम्प्टी ग्रुप में बताएं कहां से ये वैल्यूज फोरकास्ट हो रही हैं, 8 से है ना, ये तो यहां पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, तो देख लें पूरी वैल्यूज हो गई हैं 14 तक हो गई हैं। अब इस सीरीज का मुझे नाम रखना है कोई, तो इस सीरीज का मैं नाम रख रहा हूं एफ फोरकास्ट, अब मेरे पास 2008 से 2014 की रियल जीडीपी की एक्चुअल वैल्यूज भी हैं और रियल जीडीपी की ही फोरकास्ट भी है। अब अगर एक मैं रिग्रेशन नई एस्टिमेट करूं, क्विक एस्टिमेट इक्वेशन, और इस इक्वेशन में मैं रियल जीडीपी को इस फोरकास्ट पे रिग्रेस कर दूं, ये रिग्रेशन कितनी वैल्यूज के लिए होगी, उन्हीं 7 ऑब्जर्वेशंस के लिए, आप देख लें जब मैं इसको एस्टिमेट करूंगा तो ये खुद ही ले रहा है 7, देखें इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन 7, क्यों 7, क्योंकि 7 फोरकास्ट थे, जीडीपी का तो डेटा बहुत है लेकिन फोरकास्ट की 7 वैल्यूज हैं, तो उसने एंट्रीज मैच करके एक रेग्रेशन एस्टिमेट कर लिया। अब ये जो वैल्यू आई है ये और ये, इन दोनों की इंटरप्रिटेशन है, वो कैसे, अगर ये वैल्यू 0 हो और ये वैल्यू 1 हो, मैं लिखता हूं यहां पे ताकि क्लियर हो जाए, क्या मैंने ये किया है, नाउ इट इज वाई आई, आई वेरीज फ्रॉम 2008 टू 2014, बी नॉट प्लस बी वन इंटू एफ आई प्लस वी आई किसका आया है, इस रेग्रेशन का, तो मैंने क्या किया है एक्चुअल को फोरकास्ट पे रेग्रेस कर दिया, ठीक हो गया। अब ये कोफिशियंट आ गया इसका, इस कोफिशियंट में अगर ये बी वन वन के इक्वल हो तो इसका मतलब है हमारा फोरकास्ट अनबायस्ड है, कैसे, ये एवरेज वैल्यू निकाल रहा है, तो बेशक एक एक साल का जो मैं डेटा जनरेट कर रहा हूं वो ऊपर नीचे होगा एक्चुअल से, लेकिन ऑन एवरेज देयर इज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यूज एंड फोरकास्टेड वैल्यूज, अगर वो वन है तो फोरकास्ट अनबायस्ड है, और अगर ये लेस देन वन है तो इसका मतलब है आपका फोरकास्ट अंडर एस्टिमेट करता है, और ग्रेटर देन वन है तो ओवर एस्टिमेट हो रहा है, ओवर फोरकास्ट हो रहा है। अब हमने टेस्ट करना है कि ये वन है कि नहीं। अब मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू देते हैं या टी स्टेटिस्टिक देते हैं, ये इसकी देते हैं कि इसका कोफिशियंट 0 है, जबकि हमने टेस्ट करना है वो 1 है। वो 1 टेस्ट करने के लिए ईव्यूज में प्रोसीजर ये है कि ये याद रखें कि ईव्यूज यहां से कोफिशियंट के नंबर लेता है, दिस इज फर्स्ट कोफिशियंट कॉन्स्टेंट इंटरसेप्ट, दिस इज सेकेंड कोफिशियंट, तो अगर मैंने सी के ऊपर कुछ टेस्ट करना है तो उसे मैं लिखूंगा सी वन, और अगर मुझे एफ के कोफिशियंट पे टेस्ट करना है तो उसे मैं लिखूंगा सी ब्रैकेट में 2, इट इज सेकेंड कोफिशियंट। तो मैं व्यू में गया, व्यू में आता है कोफिशियंट डायग्नोस्टिक्स, रेग्रेशन के व्यू में गया, ये कमांड लिख लिया करें क्योंकि आपने घर जाके मे बी ट्राई करना हो, और क्या व्यू में गए, व्यू में कोफिशियंट डायग्नोस्टिक्स, और उसके अंदर एक ऑप्शन है वॉल टेस्ट कोफिशियंट रिस्ट्रिक्शन,
इसको क्लिक करें तो एक छोटी सी विंडो ओपन होगी, उस विंडो में आप लिख दें जो आपका दूसरा था C2 इज इक्वल टू 1, जो भी आपने रिस्ट्रिक्शन लिखनी है वो यहां पे आप लिख सकते हैं। तो हमारा हाइपोथेसिस है कि ये 1 है, मैं इसको ओके कर देता हूं। तो ओके करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो ये है कि टी स्टेटिस्टिक्स 2.43 है विथ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 7 हमारी ऑब्जर्वेशन थी और 2 जो हैं वो हमने पैरामीटर एस्टिमेट किए, तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है वो है 6%। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा क्राइटेरिया 5% सिग्निफिकेंस का है देन दिस हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड। हाउएवर एट 6% सिग्निफिकेंस लेवल दिस हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड। तो 5 और 6 में इतना बड़ा यहां पे डिफरेंस नहीं है, तो बहरहाल मैं यहां पे कहूंगा मेरा फोरकास्ट बायस्ड है। फोरकास्ट क्या है? बायस्ड है। वो आप सिंपली देख लें कि वो ओवर फोरकास्ट करता है या अंडर फोरकास्ट, ये अगला स्टेप है, वो वन टेल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी सिंपली एक बात क्लियर है कि मुझे यहां से ये समझ आ रहा है कि हमारा फोरकास्ट जो है वो बायस, ठीक है, सही। तो वर्कशॉप में मैंने सिखाना था, ये गारंटी नहीं करनी थी कि जीडीपी एक्चुअल फोरकास्ट कर लूंगा मैं उसको करने के लिए मेरे 2-4 घंटे लग जाएंगे। तो ठीक है, हमने सीख किया फोरकास्ट बायस हो सकता। जब आपका फोरकास्ट बायस्ड है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा कि बायस्ड फोरकास्ट, जाहिर है ये नल रिजेक्ट हो रहा है तो या लेफ्ट से रिजेक्ट होगा या राइट से रिजेक्ट हो रहा है ना, उसको हम देख लेते हैं। इसका मतलब है अगर परसिस्टेंटली आपका मॉडल अंडर फोरकास्ट कर रहा है या परसिस्टेंटली ओवर फोरकास्ट कर रहा है, दोनों सूरतों में आपके मॉडल में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मॉडल या तो अंडर फोरकास्ट करता है या ओवर। हालांकि हमने सिंपल जजमेंट में कहा था बहुत अच्छा फोरकास्ट आया, लेकिन जब बायसनेस में गया तो हमें पता चला हमारा मॉडल बायस्ड फोरकास्ट देता है। एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी बात जो मेरे पास रियल जीडीपी की एक्चुअल वैल्यूज हैं, कौन सी? 2008 से लेके 2014 तक, ये मैं यहां से कॉपी करता हूं और मैं एक्सेल शीट में जाके पेस्ट कर देता हूं। याद ये रखना है कि ये आर जीडीपी है और ये एफ है। अब मैं लेता हूं इन दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस, ठीक है जी, दोनों का मैंने गैप ले लिया। आप देख सकते हैं कि मोस्टली गैप नेगेटिव है, यानी कि हमारा मॉडल ओवर फोरकास्ट कर रहा है। जीडीपी में से उसका फोरकास्ट माइनस करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है, यानी कि फोरकास्ट बड़ा है सिवाय लास्ट वैल्यू के, ठीक हो गया। तो एवरेज भी लें तो ये नेगेटिव आएगा। तो बात क्लियर हो गई कि हमारा ये मॉडल ओवर फोरकास्ट कर रहा है हर दफा। दूसरी बात, अब मैं लेता हूं इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया और इस स्क्वायर का फिर मैं लेता हूं एवरेज, ये आ गया मीन स्क्वायर प्रिडिक्शन एरर, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट स्क्वायर और फिर एवरेज, मीन स्क्वायर प्रिडिक्शन एरर। अब ये किस चीज को शो करता है? ये मेरे फोरकास्ट की एफिशिएंसी को शो कर रहा है, वो बायसनेस थी, ये एफिशिएंसी है। अब सवाल ये है कि मेरा इससे मुझे क्या पता चल रहा है? वो तो क्लियर समझ आ गया बायस्ड है, इससे मुझे क्या पता चल रहा है? तो याद रखें, बायसनेस या अनबायसनेस इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, वेयर एज एफिशिएंसी इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। बायसनेस में दो मॉडल हो, दो के दो बायस्ड हो सकते हैं फोरकास्ट, दो के दो अनबायस्ड हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, वो एब्सोल्यूट है, हर एक अलग देखेंगे। एफिशिएंसी कंपेयर होती है। तो अगर मेरे पास एक और मॉडल हो और उसकी बेस पे भी मैं ऐसे मीन स्क्वायर प्रिडिक्शन एरर निकालूं, तो जिसका मीन स्क्वायर प्रिडिक्शन एरर कम होगा उसका फोरकास्ट एफिशिएंट होगा।
तो ये कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी, और वो एब्सोल्यूट है क्या बायसनेस। तो मेरा मॉडल बायस्ड है, मैं 10 मॉडल ले लूं 10 के 10 बायस्ड हो सकते हैं, 10 के 10 अनबायस्ड हो सकते हैं, लेकिन उनमें मोस्ट एफिशिएंट एक ही होगा, और वो मोस्ट एफिशिएंट होगा जिसका मीन स्क्वायर प्रेडिक्शन एरर सबसे कम होगा, मिनिमम। ठीक हो गया। जब हम वैसे सिंपल ओएलएस की प्रॉपर्टीज में भी ब्लू कहते हैं ना बेस्ट, तो वो बेस्ट किस में होता है? वो बेस्ट उसमें भी जो एफिशिएंसी हम कह रहे होते हैं वेरिएंस की, तो उसका मतलब ये होता है कि इफ वी हैव मोर देन वन लीनियर एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, देन अमंग ऑल दोज एस्टिमेटर्स ओएलएस इज द बेस्ट। सही है ना? तो ओएलएस इसलिए बेस्ट होता है कि अगर हमारे पास लीनियर और अनबायस्ड 10 एस्टिमेटर्स भी हों, सब में से वेरियंस ओएलएस एस्टिमेटर का कम होगा। दैट्स व्हाई इट इज ब्लू। तो यहां भी यही है कि ये कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है। मेरे पास एक और मॉडल होता, जैसे ये भी मॉडल पास हो जाता तो मैं इसकी बेस पे भी फोरकास्टिंग करता, तो फिर उन दोनों के मीन स्क्वायर प्रेडिक्शन एरर कंपेयर करता। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि सपोज था, यहां तो बाय चांस मेरे पास दूसरा मॉडल नहीं है, सपोज दूसरा मॉडल था तो फिर कंपैरिजन कैसे करते? तो उसको हम एटलीस्ट पढ़ तो लेते हैं ना। हमारे पास मॉडल नहीं है, वैसे भी मॉडल होता भी तो हर एक पे हम इतना टाइम नहीं लगाते। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मॉडल होता भी, ये इंटरवल फोरकास्ट याद रखना बड़े काम की चीज है, अभी काम आएगी टी ब्रेक के बाद। अभी के लिए मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास सपोज दो मॉडल है, सही, ऐसे मेरी अजम्पशन है, एक है AR1 और एक है AR1 and 6 या MA1 या ARMA 1 कुछ भी दूसरा हो सकता है, मैं इसमें नहीं जा रहा। दूसरा मॉडल कौन सा है नहीं मेरे पास, अगर होता तो। अक्सर जगह पे आप देखेंगे कि इनर्शिया ज्यादा हो ना तो कई कैंडिडेट मॉडल्स बनते हैं, यहां पे नहीं बन रहे, अक्सर बन जाते हैं। तो मेरे पास सपोज ये दो मॉडल होते और मैं दोनों की बेस पे मीन स्क्वायर प्रेडिक्शन एरर निकालता, दोनों की बेस पे मीन स्क्वायर प्रेडिक्शन एरर निकालता, तो अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो बड़ा सिंपल है कि जो दोनों मीन स्क्वायर प्रेडिक्शन एरर्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर, यानी कि आपने ये एक सैंपल से फोरकास्ट किया ना, इसका डिफरेंट सैंपल्स होते और हर दफा मीन स्क्वायर प्रेडिक्शन एरर निकालते जाते तो थाउजेंड्स वैल्यूज आती, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बननी थी वो का स्क्वायर। अब ये अगर विद डी 7 degrees ऑफ फ्रीडम, अब सवाल ये है कि अगर ये मेरे पास दोनों आ गया, दोनों की बेस पे मीन स्क्वायर प्रेडिक्शन एरर आ गया, एक को मैं कह देता हूं मीन स्क्वायर प्रेडिक्शन एरर 1 और दूसरे को मैं कह देता हूं मीन स्क्वायर प्रेडिक्शन एरर 2, तो सवाल ये कंपेयर कैसे करो? अगर इसका आया है 18,475, अगर दूसरे का आ जाता है 18,476, तो मैं क्या कहूं ये बेस्ट है? ये तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब ये डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है ये कैसे पता चलेगा? कितना गैप होगा तो मैं डिफरेंस कहूंगा। तो बड़ी सीधी सी बात है कि इनमें से जो वैल्यू बड़ी है, जो भी वैल्यू बड़ी है उसको ऊपर रखें। मैं अस्यूम कर रहा हूं कि पहली ही वैल्यू बड़ी आई है, नहीं दूसरे की, और जिसका बड़ा वैल्यू आई वो ऊपर रखें। तो ये जो आपके पास रेशियो आ गई, ये दो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स की रेशियो है। तो इसका मतलब है दिस स्टैटिस्टिक हैज एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ एच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये एच है नंबर ऑफ पीरियड जितना आपने टाइम पीरियड फोरकास्ट किया। तो अगर आपके पास ये एफ वैल्यू, अगर ये दोनों के मीन स्क्वायर प्रेडिक्शन एरर एक जैसे होंगे तो एफ की वैल्यू 1 होगी ऑलमोस्ट, और जितना इनमें गैप बढ़ता जाएगा एफ की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर एफ की ये जो वैल्यू है इफ दैट इज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ, तो इसका मतलब है हम कहते हैं कि इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है।
और वो जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है वो ये बता रहा है क्योंकि MSPE2 ग्रेटर था इन दोनों में, तो इसका मतलब है ये रेशो, अच्छा एफ बाय द वे सिग्निफिकेंट तभी आएगा जब कम से कम 3 से ऊपर तो वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे केस में ये मिनिमम 3 टाइम्स इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट मॉडल इज द बेस्ट। ठीक हो गया, यहां तक तो हमने पढ़ लिया, ये तो बड़ा सिंपल काम था, अनबायस्ड चेक करना भी सिंपल है और अनबायस्ड के बाद एफिशिएंसी भी चेक करना बड़ी सिंपल हो गई कि हमने दो मॉडल्स लिए, दोनों मॉडल का मीन स्क्वायर प्रेडिक्शन एरर निकाला, उनकी रेशियो निकाली, एफ से कंपेयर कर लिया, ये सब तो फौरी पता चल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन एक टेंशन है और वो टेंशन क्या है कि ये स्टैटिस्टिक एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है 3 अजम्पशंस की बेस, अगर वो 3 अजम्पशंस पूरी ना हुई तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो ही नहीं कर। अब ये समझे आप लोग, कुछ भी सुन लें और उसको बस क्रिटिकल वैल्यू मिल जाए टेबल से, उससे कंपेयर करना है, ऐसा नहीं होता सिंपल। आपने ये सारा कर लिया, दो मॉडल थे, दोनों के फोरकास्ट अनबायस्ड आ गए, आपने उनकी एफिशिएंसी चेक की, आपने कहा अच्छा मॉडल 1 इज बेटर, या 3 मॉडल थे, 4 मॉडल थे तो आपने कहा मॉडल 1 इज बेस्ट, और किस बेस पे का एफ वैल्यू पे, तो सवाल यह है कि क्या इस रेशियो की डिस्ट्रीब्यूशन एफ है, ये तब एफ है जब 3 अजम्पशंस पूरी हो। नंबर 1, फोरकास्ट एरर्स आर normally distributed with zero mean, क्योंकि अगर zero mean नहीं होगा फिर तो वो biased हो जाएंगे, यानी कि difference जो है वो कभी positive कभी negative हो जाए तो फिर तो forecast unbiased रहेगा। दूसरी बात यह है कि forecast errors are serially uncorrelated, चाहे ये फोरकास्ट एरर्स ये जो निकले हुए, चाहे पहले मॉडल के फोरकास्ट एरर्स हों चाहे दूसरे मॉडल के फोरकास्ट एरर्स हों, फोरकास्ट एरर्स में सीरियल कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट ड्रॉ हो सारे। और थर्ड अजम्पशन ये है कि फोरकास्ट एरर्स ऑफ बोथ मॉडल्स should be contemporaneously uncorrelated, ये 3 assumptions पूरी होंगी तो फिर आप mean square prediction error की ratio लेके f से compare करेंगे, तो tension की बात यह है कि इनमें से एक assumption को लाजमी कोई ना कोई violate होती होगी, in any case इनफैक्ट लास्ट अजम्पशन बहुत जगह वायलेट हो जाती है। कंटेम्परेनियसली कोरिलेटेड का मतलब है कि दोनों मॉडल्स की एक का ये फोरकास्ट था और अगर ये दोनों दूसरे का ये था तो ये दो वेरिएबल आपस में अनकोरिलेटेड हो, ये अजम्पशन बहुत मुश्किल से फुलफिल होती है। उसकी रीजन ये है कि जब एक मॉडल आपका अंडर फोरकास्ट करता है ना किसी जगह पे, मसलन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो उस वक्त सारे के सारे इकोनोमेट्रिक और इकोनॉमिक्स के जो मॉडल्स थे उन सब ने जीडीपी को ओवर फोरकास्ट किया, स्टेबिलिटी को ओवर फोरकास्ट किया, सब मॉडल्स का ये था कि मुझे वो एग्जैक्टली अब ध्यान में नहीं आ रहा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिस्ट थे उनसे जब क्वीन की मुलाकात हुई फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, तो उसने एक सिंपल सा सवाल किया कि आप सारे इकोनॉमिस्ट में ने किसी ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ये होने वाला है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और किसी इकोनॉमिस्ट के पास एलएसई के कोई आंसर नहीं, सबके मॉडल्स ने गलत प्रिडिक्ट किया, तो अब सारे मॉडल्स गलत प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऐसे किसी केस में तो वो उनके फोरकास्ट एरर कंटेम्पोरेनियसली कोरिलेटेड होंगे। ठीक है ना, जब एक मॉडल ओवर फोरकास्ट कर रहा है और दूसरा भी ओवर फोरकास्ट कर रहा है तो उनके एरर्स नेगेटिव साइड पे आएंगे, तो दोनों एरर्स नेगेटिव साइड पे आएंगे तो हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल्स बनेंगे। फिर
ये सीरियल कोरिलेशन वाली अनकोरिलेटेड वाली अजम्पशन भी पूरी होना बहुत मुश्किल होता है. फॉरकास्ट एरर्स नॉर्मली सीरियली कोरिलेटेड होते ही होते हैं. पहली अजम्पशन ये है कि ये नॉर्मेलिटी बेचारा हमें एक ऐसी अजम्पशन मिली हुई है कि हम बस इसको यूज कर लेते हैं हर जगह. मीन जीरो वाली अजम्पशन अक्सर पूरी हो भी जाती है. अब चूंकि मैं अगर टाइम का हिसाब देखूं तो मैं इसमें नहीं जाता, लेकिन जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो उन्हें आइडिया दे देता हूं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अगर ये अजम्पशंस वायलेट हो रही हो तो फिर कैसे टेस्ट करें, मीन स्क्वायर प्रेडिक्शन एरर्स फिर कैसे कंपेयर करें. तो एक इसके लिए दो तरीके हैं कंपैरिजन के. एक है ग्रैंजर न्यूबोल्ड टेस्ट. ग्रैंजर न्यूबोल्ड टेस्ट ये एक मेथड है जिससे आपका ये अजम्पशन स्पेशली फर्स्ट वाली अजम्पशन वायलेट भी हो जाए तो स्टिल आप इससे ये टेस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं. और दूसरा जो टेस्ट है जिसकी बेस पे आप ये कंपैरिजन फॉरकास्ट इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट हैं, दूसरा जो टेस्ट जिसकी बेस पे आप ये कर सकते हैं उसमें इवन ये तीनों अजम्पशंस भी वायलेट हो जाए फिर भी टेंशन नहीं है, वो है डी बोल्ड मैरियानो टेस्ट. तो मैंने सिंपल वाला आपको करके दे दिया. इन दोनों की थ्योरी पढ़ सकते हैं हम लेकिन टाइम के लिहाज से ना ही पढ़े, लेकिन थोड़ा आइडिया दे दिया कि ये अजम्पशन रिलैक्स भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है. ऐसे टेस्ट मौजूद हैं जो इन रिलैक्स अजम्पशन के साथ वायलेशन ऑफ अजम्पशन के साथ भी टेस्ट रन हो सकते हैं. पॉसिबिलिटी मौजूद है जी. हाँ, अगर ये अजम्पशन वायलेट होती है ना तो देन यू कैन नॉट टेस्ट to f because this in that case this ratio doesn't have f distribution. So jab f distributed hai hi nahi to fir aap f se usko dekh nahi sakte, lekin ye bhi in fact f hi honge ya ye thoda sa aur different us pe jaate hain. Jaise main aapko ek chota sa example de deta hu ki ye d bold mariano test basically aise hai ki agar aapke paas wo kehte hain ki aap difference bana le forecast error of model 1 in period I minus forecast error of second model in period I. तो दोनों forecast error, दोनों जैसे वहां forecast error की सीरीज हमारे पास आ गई ना, ये forecast error पहले मॉडल के ये forecast error हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे मॉडल के भी forecast errors आ जाएंगे. तो अगर आप उन दोनों forecast errors का difference ले लें और फिर आप ले लें कि डी बार ले लें, तो अब ये इस किस्म के डेटा के लिए नहीं है कि पांच ऑब्जर्वेशन को टेस्ट कर रहे हैं. समटाइम हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी डेटा होता है, 500 ऑब्जर्वेशन होती हैं और हमारे पास इवन 100 वैल्यूज हम आगे फोरकास्ट कर रहे होते हैं, तो उस किस्म में ये ज्यादा एप्लीकेबल होगा कि अगर आप डी आई एक सीरीज बना लें डिफरेंस ऑफ फोरकास्ट एरर्स और फिर उसका डी बार ले लें. खैर उन्होंने तो इसको फ्लेक्सिबल रखा है कि आप फोरकास्ट एरर लें या फोरकास्ट एरर्स का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर्स में भी डिफरेंस ले सकते हैं. उन्होंने कहा आप इवन उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का भी डिफरेंस ले सकते हैं, उन्होंने इसको फ्लेक्सिबल रखा है. लेकिन पॉइंट उनका बेसिक थ्योरी ये है कि यहां से जो डिफरेंस की सीरीज बनेगी उसका मीन है. अब अगर आपका सैंपल साइज बड़ी पॉपुलेशन से आप बड़ा सैंपल ड्रॉ कर रहे हो तो वो यहां पे बेसिकली सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज करते हैं कि इवन इफ योर एरर्स आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डी बार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की कंडीशंस पूरी होती है. तो इस तरीके से अजम्पशन रिलैक्स हो गई कि फोरकास्ट एरर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, डी आई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, लेकिन जो डी बार है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है ना, तो वो इस तरीके से उन्होंने यहां सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज किया है, किसी ने कोई और चीज यूज किया है, तो कहीं ना कहीं किसी अजम्पशन के तहत उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की. ठीक हो गया.
आखिरी चीज जो फोरकास्ट में हमारी रह गई अभी, खैर फोरकास्टिंग तो पूरा दिन ही चलेगी, लेकिन एक जो एक चीज अभी के लिए मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि फोरकास्टिंग के लिए ये जरूरी है कि जो आपका एनवायरमेंट है इकोनॉमी का, दैट रिमेन स्टेबल एंड योर पैरामीटर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। तो अगर आपके पैरामीटर्स ही कॉन्स्टेंट नहीं है तो फिर तो क्लियरली फोरकास्ट किसी काम का नहीं। तो हम यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं स्ट्रक्चरल ब्रेक की और पैरामीटर इनस्टेबिलिटी की। स्ट्रक्चरल ब्रेक का मतलब यह है कि एक एग्जॉजिनस कोई ऐसा शॉक आया। अब यहां पे एक मसला है, एग्जॉजिनस शॉक वो भी मैंने बात कर दी। अब शॉक की मैं एग्जाम्पल देने लगा था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या ग्रेट डिप्रेशन, तो उसके बारे में इकोनॉमिस्ट में डिवाइड है। जो हमारे मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये ऐसे शॉक्स एग्जॉजिनस होते हैं, सिस्टम स्टेबल होता है और शॉक्स एग्जॉजिनस होते हैं जो कि सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। जबकि एक बहुत बड़ा फिलोसफर हमारे अभी कोई 20-30 साल पहले हो गुजरे हैं, हेमन मिन्स्की, तो मिन्स्की की थ्योरी डिफरेंट है। उसका ख्याल यह है कि ये शॉक्स एंडोजिनस होते हैं, ये सिस्टम के अंदर इन बिल्ट प्रॉब्लम्स की वजह से ओरिजिनेट होते हैं। और मिन्स्की को उस वक्त के इकोनॉमिस्ट ने कोई जगह नहीं है और वो गरीब जगह लिए बगैर फोट हो गया, लेकिन उसके जाने के बाद बहुत याद आई इकोनॉमिस्ट को उसकी जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो इनफैक्ट देखें जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं लिटरेचर में कभी ना कभी उसकी अप्रिसिएशन होती है। अब लिटरेचर में ज्यादातर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको मिन्स्की मूवमेंट के नाम से जाना जाता है कि दिस इज द मिन्स्की मूवमेंट। कि मिन्स्की मूवमेंट मीन कि आपका जब क्राइसिस आ जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस, और उसमें क्या कहता है, बाय द वे एक बात आपको बताऊं कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट था जिसने फाइनेंशियल क्राइसिस को पहले प्रिडिक्ट किया था, द ओनली इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड। मिन्स्की की और बात है, मिन्स्की तो एक फिलोसफर था ना, वो तो कहता था ऐसे क्राइसिस आएंगे और बहुत आएंगे, उसने तो जनरली कहा था। लेकिन जो रघु राम राजन था उसने इस स्पेशली क्राइसिस के बारे में बात की, IMF इकोनॉमिस्ट, IMF का इकोनॉमिस्ट था। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, चले हम अभी उसमें नहीं जाते डिबेट में, हम अभी एग्जॉजिनस ही लेते हैं। और स्ट्रक्चरल ब्रेक के अंदर हम कह रहे हैं कि जी एक एग्जॉजिनस चेंज है कुछ भी, जिसकी वजह से हमारे मॉडल में एक ब्रेक आता है। और ब्रेक इस तरह से आता है कि हमारा जो मॉडल है दैट इज वाई टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इन टू वाई टी माइनस वन प्लस एप्सिलॉन टी एंड वाई टी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन इन टू वाई टी माइनस वन प्लस बी टी। दिस इज फॉर प्री क्राइसिस एंड दिस इज क्राइसिस एंड पोस्ट क्राइसिस। ऐसा हो सकता है कि आप एक मॉडल लिखें और उस मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाएं, प्री क्राइसिस टाइम में कुछ और थे और आफ्टर क्राइसिस में कुछ और हो गए, ऐसा हो सकता है। मसलन अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही देख लें तो 9/11 से पहले कंजम्पशन का पैटर्न और 9/11 के बाद कंजम्पशन पैटर्न में बहुत फर्क। पहले हमारे यहाँ जो है वो कंजम्पशन ओरिएंटेशन कम थी और कुछ ना कुछ सेविंग की कहानी थी, लेकिन 9/11 के बाद जो भी हमारी इकोनॉमी में हुआ नाउ वी बिकम कंजम्पशन ओरिएंटेड। तभी उसकी रीजन ये है कि अगर हम अपना जीडीपी का हम अपनी एग्रीगेट डिमांड लें तो दैट इज 110% ऑफ आवर जीडीपी, यानी कि
हम 110% अपनी प्रोडक्शन का कंज्यूम करते हैं, तो सेव क्या करेंगे? तो अब ये जो हम हमारा कंजम्पशन है, ये 9/11 से पहले ऐसा नहीं था। 9/11 से पहले आप देखें तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड था वो मे बी हमारी जीडीपी का लेस देन 100% था, अब 110% और इस तरह की चेंजेस। तो अगर मैं एमपीसी एस्टिमेट कर रहा हूं एग्रीगेट डेटा से, तो एमपीसी बिफोर 9/11 और आफ्टर 9/11 में एक जैसा नहीं होगा, तो ये चेंज हो गया। तो मैंने ये कहा है कि हमारा इस केस में है, दोनों केसेस में ए आर वन मॉडल, लेकिन दोनों के पैरामीटर्स डिफरेंट है। अगर ये पैरामीटर्स डिफरेंट है और हम पूरे डेटा पे एक ही रिग्रेशन एस्टिमेट कर लें, तो उससे फोरकास्ट बहुत पुअर आएगा। कैसे पुअर फोरकास्ट आएगा? जैसे वो कि ये यहां पे बनता नहीं है, ए आर का मॉडल इस तरह नहीं होता, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि सपोज हमारा ये केस है और फिर ये केस है, मैं लीनियर मॉडल फिट कर रहा हूं वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये ए आर का इस तरह ग्राफ नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि हम ये लाइन फिट करें, तो इस लाइन से जो ग्राफ फॉरकास्टिंग आएगी आप खुद सोच लें वो कैसी होगी। अगर ये केस हो तो फिर इस तरह के ए आर मॉडल या आर्मा मॉडल, उनके अंदर भी स्ट्रक्चरल ब्रेक आती है, तो स्ट्रक्चरल ब्रेक से उनके पैरामीटर्स में चेंज आता है, जंप आता है। उस जंप को अगर आप कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, आपके मॉडल में जो फोरकास्टिंग आएगा वो फोरकास्ट पुअर फोरकास्ट होगा, यानी कि बायस भी हो सकता है, इनएफिशिएंट तो डेफिनेटली होगा। अगर इस किस्म का केस आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रेक है या नहीं। ये ब्रेक तो देखें पॉसिबिलिटी तो होती रहती है, 9/11 आया उसने हमें कितना इफेक्ट किया ये हमें देखना पड़ेगा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया वो तो आया, हम उससे कितना इफेक्ट हुए ये तो देखना पड़ेगा ना। तो टेस्ट तो हमेशा करना होता है, तो टेस्ट के लिए आसान है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम इसके लिए यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो ब्रेक है वो क्या लेते हैं। ब्रेक दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोजिनस ब्रेक, अब यहां एक्सोजिनस का मीनिंग कुछ और है, ये वो एक्सोजिनस नहीं है जो हम इकोनॉमिक्स में लेते हैं। यहां ब्रेक में जो एंडोजिनस और एक्सोजिनस ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट है ये है कि जब अगर ब्रेक टाइम नोन हो, आपको पता हो कि फ्ला टाइम में फ्ला ईयर में ब्रेक आया था, तो वी कॉल इट एक्सोजिनस ब्रेक इकोनोमेट्रिक्स। और अगर ब्रेक टाइम अननोन हो और आप डेटा से डिटरमिन करें, यानी कि एक तो है ना कि आप ब्रेक टाइम नोन है टेस्ट कर रहे हैं कि ब्रेक सिग्निफिकेंट है या नहीं है, एक ये ब्रेक टाइम ही नोन नहीं है, आप डेटा से डिटरमिन कर रहे हैं कि ब्रेक का टाइम क्या है और फिर वो टाइम पे ब्रेक सिग्निफिकेंट है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एंडोजिनस ब्रेक। ठीक हो गया? तो जो एक्सोजिनस ब्रेक है, इस एक्सोजिनस ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं चाओ टेस्ट या चाओ ब्रेक पॉइंट टेस्ट। ये तो आम इकोनोमेट्रिक्स में हम सारे लोग पहले भी डिस्कस करते रहते हैं, ये वही ब्रेक पॉइंट टेस्ट है। और ये सिंपली ये प्रोसीजर है कि आप अपने सैंपल को स्प्लिट कर देते हैं इनटू टू सैंपल्स, जो टोटल सैंपल है उसको स्प्लिट कर दें, और चूंकि अच्छा ये हमारा टाइम सीरीज चल रहा है तो बेहतर ये है कि आप इसे टोटल टी लिख दें इनटू T1 + T2, ये दो सब सैंपल्स बना लिए और ब्रेक पॉइंट से दो सब सैंपल्स बना लें। ठीक हो गया? अब आपका जो भी मॉडल है, आप ए आर वन मॉडल है, ए आर टू मॉडल है, ए आर फोर मॉडल है, MA1 है, ARMA1 है, जो भी मॉडल आप डिटेक्ट करते हैं अपना, वो मॉडल आपने तीन दफा एस्टिमेट करना है, वंस फॉर टोटल टाइम एंड ट्वाइस फॉर सब सैंपल्स। तो कितनी दफा ARMA मॉडल या ए आर मॉडल एस्टिमेट हुआ? 3 times। एक दफा पूरे टाइम पीरियड के लिए और दो दफा सब सैंपल्स के लिए। सब सैंपल ये हाफ ऑफ नहीं है, ये ब्रेक पॉइंट के ऊपर डिवीजन होगी, हो सकता है एक तरफ 50 वैल्यूज हो एक तरफ 5 वैल्यूज हो, इस पे मैं बाद में आता हूं कि अगर वैल्यूज थोड़ी हो तो क्या करेंगे, लेकिन अभी तो हम कह रहे हैं ऐसा होगा। ये दो डिफरेंट सब सैंपल्स हैं, तो आपने यही अगर आपका मॉडल AR है मसलन, वो कोरेलोग्राम और वो जो सारे प्रोसीजर हम करते रहे वहां से हमें पता चला कि मॉडल AR है, तो AR मॉडल को हम एस्टिमेट तो कर लिया, अब हम ब्रेक पॉइंट के ऊपर
तीन दफा ये मॉडल फिर एस्टिमेट करेंगे टोटल सैंपल पे, एक फर्स्ट हाफ पे, फर्स्ट सब सैंपल पे और सेकंड सब सैंपल पे। जब हमने ये कर लिया तो उसके बाद अब जो इन दोनों से रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आएगा वन प्लस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर टू, इसका मतलब ये है कि हमने इस टाइम पीरियड में अलग मॉडल फिट किया और इस टाइम पीरियड में अलग मॉडल फिट किया। तो चूंकि हमने अलाउ किया है पैरामीटर्स टू चेंज, वी अलाउड पैरामीटर्स टू चेंज, हाउ वी एस्टिमेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, तो चूंकि हमने चेंज अलाउ किया है सो वी पुट नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एस्टिमेशन, तो इससे जो रेस्ट्रिक्ट इसका जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आएगा उसको हम कहते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपने अलाउ कर दिया कि पैरामीटर में चेंज आ जाए, हर टाइम पीरियड के लिए अलग रिग्रेशन। तो इन दोनों का एट द एंड जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अलग अलग आएंगे, आप उसका सम ले लें तो इसको हम कहते हैं दिस इज अनरेस्ट्रिक्टेड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, बिकॉज इट इज द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर विच वी गॉट फ्रॉम अनरेस्ट्रिक्टेड मॉडल। और अनरेस्ट्रिक्टेड क्यों, क्योंकि हमने उसको कहा है भाई अपने अपने अलग अलग मॉडल्स बनाओ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पैरामीटर। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये मॉडल है, एक ही मॉडल हम फिट करेंगे, तो एक ही मॉडल फिट करने का मतलब यह है कि मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि दोनों के दोनों रिजीम्स के अंदर, दोनों के दोनों सब सैंपल्स के अंदर मेरे पैरामीटर एक ही रहेंगे, दिस इज रिस्ट्रिक्शन। स्लोप भी एक ही रहेगी, इंटरसेप्ट भी एक ही रहेगा। तो ये जो मैं रिस्ट्रिक्शन पुट कर रहा हूं, तो जो फुल सैंपल से रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आएगा दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, दिस इज रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम फुल सैंपल। तो जब हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों हो गए तो सीधी सी बात है हम इन दोनों रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स का गैप देखेंगे, अगर वो गैप सिग्निफिकेंट होगा इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शंस आर इनवैलिड, इफ रिस्ट्रिक्शन इफ गैप इज नेग्लिजिबल देन रिस्ट्रिक्शंस आर वैलिड। अब ये देखते हैं कैसे प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जो हमेशा बड़ी वैल्यू होगी अनरिस्ट्रिक्टेड से, तो ये एक स्टेटिस्टिक मैं बनाता हूं जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर माइनस अनरिस्ट्रिक्टेड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो कि मैंने एस्टीमेट किए दो ए नॉट ए वन डिवाइडेड बाय अनरिस्ट्रिक्टेड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टी टोटल सैंपल है और माइनस एन क्या है नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये जो मेरी स्टेटिस्टिक बनी है this has an f distribution with n and t minus n degrees of freedom, ye n aur ye t minus n, to iska mujhe fayda ye ho gaya ki agar ye value hamari f ki critical value se badi aayi kisi bhi proper significance level pe to iska main meaning ye lunga ki significant difference, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस में हमेशा याद रखें रिस्ट्रिक्टेड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर हमेशा अनरिस्ट्रिक्टेड से बड़ा होता है, जब आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो रेजिडुअल बड़े हो जाएंगे। तो जब रिस्ट्रिक्टेड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ने बड़ा होना है और एफ वैल्यू बड़ी आएगी तो इसका मतलब है गैप सिग्निफिकेंट है, जब गैप बहुत सिग्निफिकेंट हो जाए तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब यह होगा कि अवर रिस्ट्रिक्शन, by the way what was restriction, that same parameters in both subsamples, so ye jo restriction thi ye significant value ye show kar rahi hai ki that restriction was invalid, aur restriction invalid hone ka matlab ye hai ki restriction ye thi ki same parameters hain, if that is invalid what does it mean ki parameters are actually different, तो इसका मतलब है ये स्टेटिस्टिक अगर सिग्निफिकेंट एफ वैल्यू शो करती है तो पैरामीटर्स आर डिफरेंट, सो देयर इज स्ट्रक्चरल ब्रेक इन द डेटा, और अगर आपकी ये एफ वैल्यू से कम आती है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये एज सच कोई सिग्निफिकेंट गैप नहीं है, तो बस है ये स्ट्रक्चरल ब्रेक नहीं है।
अब ये तो तब था जब हमारे पास T1 और T2 में रीजनेबल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मसलन हमारे टोटल दो पैरामीटर्स हैं, तो मिनिमम 10 ऑब्जर्वेशन तो इसमें होनी चाहिए ना रीजनेबल एस्टिमेट्स के लिए। होने को तो दो ऑब्जर्वेशन से भी एस्टिमेट हो जाएगा, लेकिन वो तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही नहीं है फिर, तो वो रीजनेबल एस्टिमेट नहीं होगा। तो रीजनेबल एस्टिमेट के लिए ऐसी मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल 10 ऑब्जर्वेशन तो दोनों में मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक में 4 ऑब्जर्वेशन हो और एक में 100 ऑब्जर्वेशन। देखे ना स्ट्रक्चरल ब्रेक आज से 4 साल पहले आया है, तो क्या करें उसके बाद की वैल्यूज ही 4 है, ऐसा हो सकता है ना। तो जब कभी एक तरफ कम रह जाए तो फिर हम इस एफ का या चाउ टेस्ट का डमी वेरिएबल वर्जन यूज करते हैं, डमी वेरिएबल वर्जन यूज करते हैं। और डमी वेरिएबल में होता यह है कि आप मॉडल पहले एक डमी वेरिएबल डिफाइन करते हैं विच इज 1 फॉर टी ग्रेटर देन टाउ, वेयर टाउ इज द स्ट्रक्चरल ब्रेक पॉइंट, यानी कि जिस टाइम में ब्रेक आया है। तो जब भी टी ग्रेटर देन टाउ होगा तो हम उसको 1 ले रहे हैं, तो 0 ले रहे हैं अदरवाइज। अब आपकी मर्जी कि इसे इक्वालिटी को इधर भी डाल सकते हैं या उधर भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि कब ब्रेक आए। हमने डमी वेरिएबल डिफाइन कर लिया, तो अब ये मॉडल में अगर एस्टिमेट कर लूं वाई टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू वाई टी माइनस वन प्लस म्यू वन इंटू डी प्लस म्यू टू इंटू डी इंटू वाई टी माइनस वन प्लस एप्सिलॉन डी। क्या किया मैंने, एक दफा सिंपल डमी वेरिएबल ऐड किया है जो कि मैंने यहां बनाया था, और एक दफा डमी को अपने उस ए आर वन वाले वेरिएबल वाई टी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फर्स्ट डमी ये शो कर रहा है कि आपके वेरिएबल में लेवल शिफ्ट आया है, ये लेवल शिफ्ट कहलाता है। और दूसरा डमी वेरिएबल ये शो कर रहा है कि आपके स्लोप में चेंज आया है, यानी कि इनर्शिया फैक्टर में चेंज आ गया है इस पर्टिकुलर केस में। तो अब अगर मैं एक हाइपोथेसिस टेस्ट करूं, क्या म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू जीरो, और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, एक भी नॉन जीरो हो, तो फिर अब मेरे पास ये मॉडल हो जाएगा। ये जो मॉडल है दिस इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल, ये क्या कहलाता है अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। और इसका रिस्ट्रिक्टेड मॉडल क्या होगा बाय द वे, जब मैं इनको जीरो कर दूं, इनको जीरो करने का मतलब है ये भी खत्म, तो इसका मतलब है सिंपल वाला मॉडल एस्टिमेट कर दूं फुल सैंपल में तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अब मुझे दो सब सैंपल्स नहीं बनाने पड़े जिनमें अलग अलग एस्टिमेशन करनी, मुझे पूरे सैंपल में एक ही दफा एस्टिमेशन करनी है, एक दफा डमी के साथ एक दफा डमी के बगैर। और इस हाइपोथेसिस को मैं टेस्ट टी से नहीं कर सकता बिकॉज दीज आर टू लीनियर रिस्ट्रिक्शन ऑन टू पैरामीटर, ये एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर दो पैरामीटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एक होती तो फिर टी से हो जाता, ये दो पैरामीटर है और दो रिस्ट्रिक्शन है म्यू वन म्यू टू, म्यू वन इज इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम म्यू टू इज ऑल्सो जीरो, सही है ना। तो ये जो टेस्ट है अगर मैं इसको उसी प्रोसीजर से आगे एफ टेस्ट से कर लूं तो ये तब होता है कब, जब हमारे पास एक साइड पे डेटा कम हो। अब हम चलते हैं कि अगर एंडोजिनस ब्रेक हो तो फिर क्या करेंगे। एंडोजिनस ब्रेक का मतलब यह है कि वी डोंट नो ब्रेक पॉइंट, हमें खुद नहीं पता ब्रेक पॉइंट क्या है। तो जब ब्रेक पॉइंट नहीं हो तो आपने डेटा से डिटरमिन करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है तो मसला नहीं है, ये भी एक मिनट का है। तो क्योंकि मैंने कहा इससे पहले कि आप ज्यादा परेशान होते रहे कि नया टॉपिक शुरू हो रहा है चाय हमारी ठंडी हो जाएगी, ये भी एक मिनट का है। क्या है एंडोजिनस ब्रेक डिटरमिन करने का यह तरीका है कि आप इस तरह करें कि ये जो आप डमी वेरिएबल बना रहे थे ना, तो ये टाउ के हिसाब से आपने बनाया और टाउ इज द नॉन ब्रेक पॉइंट, ऐसा ही था। सपोज दिस टाउ इज अननोन, हमें नहीं पता ब्रेक पॉइंट क्या है, तो इसका तरीका ये होता है कि 10% ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक साइड से छोड़ दें, यानी कि सैंपल की अगर आपके पास 100 ईयर्स का डेटा है
तो 10 छोड़ दें पहले 10 और 10% आखिर से छोड़ दें, तो बाकी कितनी ऑब्जर्वेशन रह गई 80। तो 80 ऑब्जर्वेशंस का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप 11th ईयर को ब्रेक पॉइंट समझें। आप कहें, जस्ट इमेजिन करें कि अगर 11th ईयर ब्रेक पॉइंट होता तो आप क्या करते, आप उसकी बेस पे डमी वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करते। कैसे? D इज इक्वल टू 1 इफ टाइम इज 11 टू 100 ईयर और 0 इफ टाइम इज बिफोर टाइम इज द फर्स्ट 10 ईयर, उस केस में 0 होता तो एक डमी वेरिएबल आ जाता। उस डमी वेरिएबल के साथ आप ये रेग्रेशन एस्टीमेट करते और इस रेग्रेशन से इस हाइपोथेसिस के लिए एफ वैल्यू कैलकुलेट करते। यही प्रोसीजर, जस्ट अस्यूम करें कि 11th ईयर ब्रेक पॉइंट, बाकी यही प्रोसीजर सारा रिपीट करते हैं और एफ वैल्यू जरा स्टोर कर लें अपने पास। फिर आप कहें नहीं, 12th ईयर ब्रेक पॉइंट और फिर से डमी वेरिएबल जनरेट करें 12th ईयर को ब्रेक पॉइंट मानते हुए और फिर से ये प्रोसीजर रिपीट करें और फिर से एफ वैल्यू निकालें। ये आप करते 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 80th ईयर तक चले जाएं, नहीं 90th ईयर तक, यानी कि आखिरी 10 साल आपने छोड़ देने, पहले 10 साल भी छोड़े आखिरी 10 भी छोड़े, तो आपके पास ये 80 डमी वेरिएबल्स बनेंगे। हर डमी वेरिएबल के साथ आपने ये रिग्रेशन एस्टीमेट करनी है, हर डमी वेरिएबल के अगेंस्ट आपने ये एफ वैल्यू जनरेट करनी है। तो जब आपके पास 80 वैल्यूज आ गई एफ की, उनको प्लॉट कर दें सिंपली। तो जहां पे एफ की वैल्यू हाईएस्ट होगी, जहां पे आपकी एफ की वैल्यू हाईएस्ट होगी, वो आपका पॉसिबल ब्रेक पॉइंट है। अभी पॉसिबल ब्रेक पॉइंट है, एग्जैक्ट ब्रेक पॉइंट नहीं है। पॉसिबल ब्रेक पॉइंट इसलिए है कि सब में मैक्सिमम वैल्यू इसी की है, लेकिन हो सकता है ये मैक्सिमम वैल्यू पे भी सिग्निफिकेंट ब्रेक ना हो, ये तो हो सकता है। तो ये आपका कैंडिडेट आया है, सपोज ये आ जाता है 65th ईयर पे, हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है 65th ईयर ब्रेक पॉइंट पे, तो फिर आप 65th ईयर पे इस तरीके से दोबारा एफ टेस्ट अप्लाई करके उसकी एफ की सिग्निफिकेंस चेक करें। तो 65th ईयर पे अगर एफ हाईएस्ट भी है और क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा भी है, ये दो कंडीशंस पूरी हो गई, तो फिर आप कहेंगे यहां पे सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल ब्रेक है कि आप दो चीजें हो गई ना, आपने 80 एफ वैल्यूज निकाली, उनमें 65th एफ वैल्यू हाईएस्ट आई, पहली बात तो ये हो गई ये हाईएस्ट है। अब बाकियों को तो टेस्ट ही नहीं करना, सिर्फ इस हाईएस्ट को पकड़ें और फिर इस हाईएस्ट को आप क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करें एफ की। तो ये हाईएस्ट वैल्यू अगर क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है तो इसका मतलब है 65th ईयर में ब्रेक है और ब्रेक सिग्निफिकेंट भी है। अब समटाइम ऐसा होता है ब्रेक दो जगह पे है, तो वो आप टेंशन नहीं लें, आप जब एफ को प्लॉट करेंगे एफ दो दफा ऊपर जाएगा, नजर आ जाता है, ये बड़ा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, सही है ना। अगर दो जगह पे ब्रेक होगी ना तो 65th ईयर पे भी और 37th ईयर पे भी दोनों दफा एफ ऊपर चला जाएगा नॉर्मल वैल्यूज, सही है, आपको समझ आ जाएगी कि यहां दो ब्रेक। अब सवाल यह है कि ब्रेक आ गई 65th ईयर पे, फिर क्या करेंगे? तो बस फिर ये करना है कि आपका रेलेवेंट मॉडल ये नहीं है, आपका रेलेवेंट मॉडल ये है, दैट्स इट, और इससे फोरकास्टिंग है। अगला प्रोसेस हुई है, ठीक हो गया? जाइए असर की नमाज इसी में पढ़ते हैं। Thank you.